सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस समय देवताओं और असुरों में उस अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। दोस्तों, कुंभ में अगला शाही स्नान सोमवार को है और ये मौनी अमावस्या है। साथ ही इस दिन कुछ खास योग बन रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण है और चंद्रमा का दिन सोमवार है। इस बार का संयोग ये है कि मौनी अमावस्या सोमवार के दिन भगवान भास्कर भी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर सिद्धि योग बनाएंगे। इस दिन मकर राशि में चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, उनके साथ ही बुध और केतु भी हैं और वृश्चिक राशि में बृहस्पति है, जिससे अर्ध कुंभ का शाही स्नान योग बन रहा है। दोस्तों, इस बार अमावस्या 4 फरवरी को है। इस दिन सुबह 7:57 से पूरे दिन सूर्यास्त तक महोदय योग रहेगा। इस अवधि में स्नान दान करना अति शुभ फल प्रदान करेगा। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। इस दिन त्रिवेणी स्थल पर स्नान करने से तन की शुद्धि, मौन रहने से मन की शुद्धि और दान देने से धन की वृद्धि होती है। प्रयागराज में षोडशोपचार पूजन करके त्रिवेणी में स्नान करते हुए यह मंत्र पढ़ें। ओम त्रिवेणी पापजातम मे हर मुक्ति प्रदा भव। स्नान के बाद संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप त्रिवेणी घाट पर करें। इस दिन सूर्य नारायण को दूध और तिल से अर्घ देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। इस अमावस्या पर यदि मौन व्रत रखा जाए तो शीघ्र विवाह निश्चित है। सोमवती अमावस्या होने के कारण कोई भी अपना बिगड़ा भाग्य भगवान शंकर की पूजा करके सुधार सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन कर शिव जी को प्रिय रुद्राभिषेक करें। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन ब्रह्मदेव और गायत्री का भी पूजन विशेष फलदायी होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव ना हो तो वे मीठा भोजन करें। अमावस्या पर खास करके पितरों की शांति के लिए पूजा करते हैं, तो इस तरह आप करें पितृदोष की शांति पूजा। अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। इस तरह करें मौनी अमावस्या की पूजा और इस दिन करें ये उपाय। मौनी अमावस्या के दिन तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े और जूते दान करने का विशेष महत्व होता है। दूध, चावल, खीर, मिश्री और बताशा दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आटे की गोलियां मछलियों को खिला दे। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें।